हमने गवर्नमेंट से पुलिस अत्याचार के बारे में चर्चा की थी। गवर्नमेंट ने 10 दिनों की मोहलत दी थी, लेकिन 10 दिनों के अंदर आंदोलन बंद नहीं किया जाता। इसके लिए आंदोलन चल रहा है और सीबीआई तपास जो हुई रहो सीआईडी तपास जो हो रही है उसके अंदर हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो श्वेतंग वाला मामला था उसमें वो जो पुलिस वाले हैं वो पूरी तरह से दोषी थे, तो उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक सस्पेंड नहीं किया गया। इसीलिए हमने 10 दिनों की मोहलत मांगी थी, फिर भी कोई वो लोग अपना स्टैंड क्लियर नहीं करे। बाद में कल आनंदी बहन का प्रोग्राम था महात्मा मंदिर में, फिर भी उन्होंने कहा एक के वजह से बीते गुजरात का विकास नहीं हुआ, ऐसी वगैरह वगैरह बात की। तो मतलब उन लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा, तो फिर हमें आंदोलन चालू रखना। और कल एकता यात्रा सुबह से निकलेगी, लेकिन ट्विस्ट होगा उस यात्रा में कुछ कि किसी को नुकसान ना हो, इस प्रकार हम वो यात्रा निकालेंगे। तो 2 बार की अपनी दांडी यात्रा की दिवस दांडी यात्रा उसको परमिशन नहीं दे रहे, इस बार भी अपन लग रहा है परमिशन नहीं देगा, तो फिर किस तरह? मैं वही कह रहा हूँ कि जो वापी में जो प्रोग्राम हुआ कल हमारे ओबीसी भाइयों का, तो उन लोगों को परमिशन देते हो और हमें क्यों नहीं देते? तो मतलब कल के कार्यक्रम के बिना परमिशन ही रैली निकलेंगे, लेकिन हम सविनय कानून भंग के साथ निकालेंगे, किसी को नुकसान नहीं करेंगे और आराम से 78 लोग निकालेंगे रैली। बीच में लोग जुटते हैं तो जुड़ने देंगे, लेकिन रैली में तो सिर्फ 78 लोग आए। आप आंदोलन गुजरात बाहर ले जाने की सोच रहे हैं, तो किस तरह से पूरा प्लान किया है? एक बिहार इलेक्शन तैयार है, बिहार इलेक्शन में भी आप कुछ रैलियां करने वाले हैं, तो क्या प्लानिंग करके किस तरह के कौन से साथ किसके साथ? पटेल नवनिर्माण सेना जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसी के बैनर के द्वारा ये रैलियां होगी, जिसमें 4 रैली बिहार की है, 2 रैली एमपी की है, 2 रैली यूपी की भी है, 1 झारखंड है, 1 हरियाणा है, और इसी प्रकार रैली होगी राजस्थान में, लेकिन अभी उसकी देरी है, लेकिन ये पूरी रैली तैयार हो चुकी है। बिहार में इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी यहाँ की सरकार है फिर भी आज तक कोई जवाब नहीं दे रही, मतलब अब हमें बीजेपी को पूरी तरह से बीच में रखना है। अगर हमारे बच्चों की हत्या की जाती फिर भी कोई जवाब वो लोग नहीं देते। हम बिहार जाएंगे लेकिन बिना बिन राज की हमारा कार्यक्रम होगा, सिर्फ हम वहाँ अपना पटेल नवनिर्माण सेना का पूरी तरह के विस्तार करेंगे, किसी का विरोध किसी राजकीय पार्टी का नहीं होगा। कुछ लोगों ने बताया कि आप नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का नहीं, हम किसी से जो हम वही करें बिन राज के तरीके से हमारे रैली पटेल के लिए करेंगे, जिसमें कोई राजकीय नेता को भी नहीं लाएंगे, सिर्फ अपने तरीके से जो सही है वही वहां बात करेंगे।